तो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए आया हूँ गर्मा गर्म टेक न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। नहीं ये गुरुजी कह रहे लोग ये नहीं। सो वीडियो टाइम, लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। पहली खबर है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi ने लॉन्च कर दी है Redmi ब्रांडेड पावर बैंक चाइना में और जिसकी प्राइस है 599 रुपीस 10,000 mAh वाले वेरिएंट की और 20,000 वाले वेरिएंट की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीस। अगर वो पावर बैंक्स इसी प्राइस में लॉन्च हुए ना तो सारे पावर बैंक वाली कंपनियों की लोग बैन बज जाएगी। आपको क्या लगता है ये पावर बैंक्स धूम मचा पाएगी या नहीं, मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Xiaomi की तरफ से और Xiaomi Mi Mix 4 में हमें मिलने वाला है सुपर जूम टेलीफोटो लेंस। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और इसमें हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर। सबको वही प्रोसेसर चाहिए, क्या करोगे ऐसे प्रोसेसर से, सबको वही प्रोसेसर चाहिए। इसे देखो वो प्रोसेसर, उसे देखो वो प्रोसेसर, क्या करोगे, सब एक प्रोसेसर पर लॉन्च करोगे, नया कुछ लॉन्च करो, नया प्रोसेसर लॉन्च करो, जल्दी करो। बुरे वक्त से गुजरा था हमारा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और अब उसने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पास कर दी है और अब वो लॉन्च होने वाला है, इसके लिए लाइक करना। तो गूगल पिक्सल फोन 3A, गूगल पिक्सल 3A का DxO स्कोर है 103 इन फोटोग्राफ एंड ओवरऑल स्कोर है 100 और फोटोग्राफी में इसका स्कोर पिक्सल 3 और आईफोन 10R से इक्वल टाइप है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको कोई फोटोग्राफ वाला ही फोन चाहिए तो आप इसके तरफ भी देख सकते हैं। टचपैड डेवलपर यानी कि टचपैड कीबोर्ड्स के सभी एप्स बैन हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसमें मिली है मेलियस टाइप ऑफ एड्स क्योंकि इसमें गंदी गंदी एड्स दिखाई दे रही थी, इसके लिए गूगल ने इसको बैन कर दिया। ये बहुत अच्छा किया गूगल ने, हमें गूगल से ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आपको क्या लगता है इसने अच्छा किया या गलत? मेरे तरफ से तो अच्छा ही किया ऐसा ही लग रहा है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। Huawei अब लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में Y9 प्राइम नाम का फोन, तो ये Amazon एक्सक्लूसिव होने वाला है। क्या आप लोग Huawei पर अब भी भरोसा करोगे, मुझे बताना Xiaomi के लिए। अब दुखद समाचार है क्योंकि Xiaomi के ग्लोबल स्पोक्स पर्सन यानी कि डोनोवाई हुई मुझे पता नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा नाम है, और पोको के हेड यानी कि जय मानी Xiaomi छोड़ने वाले हैं क्योंकि उसके डोनोवाई हुई को मिला है गूगल में जॉब, तो वहां जाएंगे गूगल में जॉब करने के लिए। पर जय माने का अभी पता नहीं, पर उसने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है एक्स पोको हेड, इसके लिए आप समझ रहे हैं ना, एक्स वो ब्रेकअप करके चला जाता है। YouTube म्यूजिक ऐप में आप स्विच कर सकते हैं, आपको ऑडियो सुनना है या वीडियो आप कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो में क्लिक कर सकते हो, वीडियो में से आप ऑडियो चाहिए तो आप वहाँ एक बटन होगा वहां से आप ऑडियो पे भी जा सकते हैं, इसके लिए एक लाइक। गूगल प्ले स्टोर अब टिंडर से 30% ज्यादा रेवेन्यू लेगा क्योंकि टिंडर ने अपना नया पेमेंट ऑप्शन चूज यानी कि लॉन्च किया है जिसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालना ही होगा। ये एक बड़ी न्यूज है और इसके लिए ही गूगल उससे पैसे चपट रहा है। मुझे दे दो, तुम कैसे पैसे ले सकते हो, मैं ही पैसे लूंगा, मैं हूँ गूगल। यूट्यूब को अब फाइन देना होगा, $1 million फाइन देना होगा क्योंकि उसने एक बच्चे यानी कि किड की जो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा था ना उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली थी, इसके लिए उसको फाइन मिला है उस बच्चे की फैमिली। तो Zenfone Max Pro M1 को तो सब जानते ही होंगे और अब उसकी प्राइस कट होकर उसकी प्राइस हुई है 7,999 रुपीज 3GB रैम वाले ऑप्शन की और 4GB रैम के वेरिएंट की हो गई है 8,999 रुपीज। ये एक बहुत अच्छी प्राइस हुई है Asus Zenfone Pro M1 की। अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हैं क्योंकि मैं आपको सच में रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फोन है। आपको Redmi K20 और K20 Pro में एक भी सेटिंग्स में जो एड दिख रही थी ना वो नहीं दिखेगी, दिखेगी
दिखेगी भी क्यों, आपने पहले ही पैसे चपट लिए हैं हमसे, कैसे दिखेगी, आपने पहले से हमको लूट लिया है। आज के लिए इतनी न्यूज थी, अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर ले, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, क्योंकि अब जो मेरी नई वीडियो आएगी आप वो कभी मिस ना कर पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।